ये जो उन्होंने जुर्म किया है जी, जुर्म किया उनके खिलाफ FIR है, तो भारतीय संविधान के अनुसार उस पर केस चलाएं। पुलिस कश्यप ने जो भी किया अपने साथ उन्होंने उचित किया है। माई सेल्फ SB मथुरिया सीनियर एडवोकेट हेयर रिटायर डिप्टी SP। आप पुलिस में भी रह करके अपने और वकालत भी आप कर रहे हैं, आप रिटायर हो चुके हैं, ये बताइए कि आपने एक मनीष कश्यप नाम का एक नाम सुना होगा बिहार के मजदूरों के लिए, और मजदूरों के लिए उसे NSA लगा दी गई है, उसमें आपका क्या कहना है? ये जो उन्होंने जुर्म किया है जी, जुर्म किया उनके खिलाफ FIR है, तो भारतीय संविधान के अनुसार उस पर केस चलेगा। यदि धारा ऐसी है, मतलब धाराएं हैं, तो जेल जाना पड़ेगा। वो धारा हमारे हिंदुस्तान में ऐसे ऐसे बाबा हुए हैं, हरियाणा के बाबा हुए उनको सजा हो गई, रामपाल सिंह को हुई सजा हो गई। सर नहीं, एज ए पुलिस कर्मी आप ना सोचें, कहने का मतलब ये है देखिए कि अगर उसने अपराध किया है तो NSA तो आतंकवादियों भी लगती है ना, उसमें आप क्या कहोगे? मनीष कश्यप ने आपने क्या किया है? बिहार के मजदूरों की आवाज उठाई है उसने, मनीष कश्यप ने जी वहाँ के मजदूरों के लिए आवाज उठाई बिहार में जी, काफी हंगामा हुआ जी। उसी तरह से आज जो कानपुर में अधिवक्ताओं के साथ हो रहा है, उन्होंने वकील साहब ने भी उचित आवाज उठाई थी। यदि जज डायस में बैठ करके अधिवक्ताओं के साथ गलत व्यवहार करेंगे, तो कोई ऐसी कचहरी ऐसा कोई न्यायालय नहीं है जहां पर दिवाला तक पैसा मांगती है, बदनाम पुलिस होती है। मनीष कश्यप के लिए आप क्या कहना चाहेंगे दादा? देखिए, मनीष कश्यप ने मजदूरों के नेता रहे, वे CPI CPML उसमें कहीं होंगे। बिहार में जो है ज्यादातर मजदूरों के नेता जाता है। मनीष कश्यप ने जो भी किया अपने हिसाब से उचित किया है, क्योंकि हाँ NSA लगाना उचित था क्या? तो उचित ही समझे गरीबों मजदूरों ये मुहिम, यानी कि आम आदमी मजदूरों की अपनी आवाज उठाना, सर क्या गलत है? नहीं, ये तो गलत नहीं है संविधान के हिसाब से। संविधान के अनुसार तो ठीक है, स्वतंत्रता का बोलने का अपनी बात कहने का तो अधिकार है। आप देख रहे हैं सौगंध TV, सौगंध वतन की।